अभिनेत्री राखी सावंत का कहना है कि उन्होंने कॉन्डम विज्ञापनों में अभिनय करने के लिए विज्ञापन प्रस्तावों से इनकार किया था, लेकिन अब बिपाशा बसु को कॉन्डम विज्ञापनों में देखने के बाद उनमें भी इन विज्ञापनों को करने की तमन्ना जागृत हुई है। हाल ही में एक इवेंट में मौजूद राखी से जब कॉन्डम विज्ञापनों के बारे में बात की गई तो उनका कहना था, देखिए पहले तो बहुत सारे सनी लियोनिस को कॉन्डम के एड मिलते थे, उससे पहले मुझे मिलते थे, मैं हमेशा मना करती थी, फिर जब बिपाशा ने किया तो मुझ में थोड़ा जोश आया तो मैंने कहा बिपाशा कर सकती है तो राखी सावंत भी कर सकती है, तो मैंने कहा अब मैं कोई भी ऐड नहीं छोड़ने वाली हूँ, ना कॉन्डम के, ना तेल बिस्किट, किसी की भी ऐड छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं अमित जी की तरह सारी ऐड करने वाली हूँ। इन विज्ञापनों के अलावा राखी एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रही थी जो गुरमीत राम रहीम सिंह के जीवन पर आधारित था। इसमें राखी बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत की भूमिका निभाने वाली थी। राखी का कहना है कि इसके लिए उन्हें धमकी मिलने लगी थी। राम रहीम पर फिल्म बना रहे थे लेकिन वो हनीप्रीत की मॉम की धमकी आई तो मेरा जो प्रोड्यूसर वो भाग गया तो फिल्म आधी पड़ी है। डर गया, आपने डरे? प्रोड्यूसर डर गया, मैं नहीं डरी, बट मैं डेफिनेटली एक अच्छा प्रोड्यूसर ढूंढ रही हूँ जो आधी पिक्चर पड़ी है उसको पूरी बनाने के लिए। सब लोग काफी धमकियां दे रहे वहां से, तो मैं धमकियों से नहीं डरती हूँ, फिल्म तो बना के रहूंगी। Honest Report.